नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत प्रतीक्षित एडवर्टीजमेंट नंबर 50 की जो फाइनल या डिटेल नोटिफिकेशन की PDF है वह अभी मेरे पास उपलब्ध है और इसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस PDF के माध्यम से आप लोगों के जो बहुत सारे प्रश्न थे इस विज्ञापन के संदर्भ में लेकर, तो उन सब पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मुख्य बातें अभी तक मैंने जो पढ़ी हैं वो मैं आपको पहले ही बता दूँ। सबसे पहली बात है कि क्या परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव, तो आपको बता दें परीक्षा पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, यानी पूर्व की ही बात। 70 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से होंगे और 30 प्रश्न आपके GK से होंगे। और क्या निगेटिव मार्किंग है, जैसा आप लोग जानते हैं कि एडवर्टीजमेंट नंबर 49 में जब प्रिंसिपल का एग्जाम हुआ था तो अक्सर मैं इस बात को कहता था कि पहली बार 1/4 निगेटिव मार्किंग यहाँ पर अप्लाई की गई है, तो इस बात की संभावना बन रही है कि हो सकता है आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट नंबर 50 हो तो उसमें भी निगेटिव मार्किंग हो। परंतु आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आपको अपने सब्जेक्ट के साथ GK बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है आपके इक्विवेलेंट से है, आपका भी सब्जेक्ट स्ट्रांग है और आपके साथ में जो अन्य आपके साथी लोग आवेदन कर रहे हैं उनका भी सब्जेक्ट स्ट्रांग है। तो GK ऐसा पार्ट है जिसको आपको स्ट्रांग करना ही होगा फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। देखिए, मेरिट में नीचे रिटर्न पेपर में अगर आप नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो रिटर्न के साथ ही साथ आप रिटर्न में तो आपको अच्छा करना ही होगा, तभी आप बढ़त बना पाएंगे इंटरव्यू में। तो पहले प्रश्न पर आप देख पा रहे हैं कि किस क्रम में सारी जानकारी आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर क्रम दिया है, नंबर एक पर महत्वपूर्ण तिथियाँ, नंबर दो आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है, आवेदन शुल्क, रिक्तियों का विवरण, न्यूनतम एवं अधिकतम आयु और वेतनमान, आरक्षित श्रेणी के आवेदकों हेतु निर्देश, अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु आवश्यक निर्देश, आरक्षण, लिखित परीक्षा संबंधी निर्देश, चयन का आधार, अधिमानता और साक्षात्कार के लिए निर्देश। और इसके बाद 15 नंबर क्रमांक से लेकर के 25 नंबर क्रमांक तक विभिन्न परिशिष्ट हैं कि जैसे कि अगर जात प्रमाण पत्र लगाना तो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, PhD के लिए क्या कोई छूट है, या उसके लिए नेट से अगर आप छूट चाहते हो किस तरीके का आपका सर्टिफिकेट चाहिए, तो उससे संबंधित जो प्रारूप है वो परिशिष्ट में दिया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि इस बार जो OBC जो 5% की छूट मिलती थी PG के मार्क्स में, जैसा कि जनरल अभ्यर्थियों के लिए 55% है, लेकिन इस बार जो है 5% छूट SC ST के साथ जो OBC कैटेगरी की जो अभ्यर्थी उनको भी दी गई है। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम डेट पर एक नज़र डालें तो ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि 25 फरवरी 2021 है, परंतु अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो पोर्टल है जिस एजेंसी को काम यह दिया गया है, शायद उनके पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण ओपन नहीं हो रहा है। और आज 28 फेब हो गई है, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था कि इसको एक बार चेक कर लें कि क्या आवेदन अभ्यर्थी कर पा रहे हैं, तो अभी भी मैंने पाया कि जो पोर्टल है UPSSC2021.org करके जो बना हुआ है उसमें भी प्रॉब्लम है, और अभी तक तो सही नहीं हुआ पोर्टल, लेकिन जल्द ही सही हो जाने की पूरी उम्मीद है। आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि 25 फरवरी है, तो पोर्टल अभी नहीं चल रहा तो अभी आप आवेदन शुल्क नहीं जमा कर सकते हैं। परीक्षा रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 26 मार्च 2021 है, ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 26 मार्च 2021 है, और आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 27 मार्च 2021 है। ठीक, कुल 2002 पदों का विज्ञापन है, और इसमें देखिए 1-2-3 में दिया गया है कि सापेक्ष चयन है तो भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे जा रहे हैं, यानी जो 1-2-3 देखेंगे तो वहाँ पर हमें आरक्षित श्रेणीवार विवरण जो है प्राप्त हो जाएगा। कुछ सूचना यहाँ पर दी हुई है ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्या है इसको भी देख लेते हैं। आवेदन पद्धति कैसी होगी, तो ये टोटल ऑनलाइन पद्धति है, अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। उक्त चयन प्रक्रिया संबंधी सूचना समस्त जानकारी पोर्टल पर भी है और वेबसाइट पर भी है, क्लिक करके पहुंचा जा सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आयोग के उक्त पोर्टल पर प्रश्नगत विज्ञापन संबंधित निम्न जानकारियाँ उपलब्ध हैं जिनका आवेदन से पूर्व सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए, तो कौन कौन सी जानकारी है, सभी विषयों के पाठ्यक्रम, विषयवार रिक्तियाँ, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पूर्ण निर्देश, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सामान्य अनुदेश और संबंधित सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ। और अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो एक बार नंबर आप फिर से यहाँ नोट कर लीजिए, हेल्पलाइन नंबर है 011-2852-5593 और 011-7968-7000।
7368। इन नंबर को आप ज़रूर नोट कर लें। अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो सुबह 10 से लेकर शाम को 5 के बीच में आप जो है फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन जब भी आप करते हैं तो आवेदन करने के बाद उसको आप भली बात पढ़ लीजिएगा, तभी सबमिट कीजिएगा, कोई कमी न रहने पाए। खासकर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिताजी का नाम, परसेंटेज वगैरह अगर जहाँ पर मांगे जा रहे हैं तो उनको आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने अथवा 27 मार्च 2021 को 62 वर्ष से अधिक आयु होने पर आवेदन सबमिट नहीं होगा। देखिए, एक अक्सर आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए UPSC में एज क्या होनी चाहिए। देखिए, UPPSC में तो 40 साल का क्राइटेरिया दिया हुआ है, लेकिन UPSC में अगर आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पर आपकी उम्र जो है 62 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। तो 62 साल की उम्र तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। फोटो से संबंधित मैंने आपको सिग्नेचर्स पहले संबंधित पहले हमने बता दिया था। अच्छा, अब आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग और EWS जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनके लिए मात्र 2,000 रुपये है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2,000 रुपये है। अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,000 रुपये है। यानी SC ST अभ्यर्थियों के लिए 1,000 रुपये और अन्य अभ्यर्थी के लिए OBC जनरल और EWS के लिए 2,000 रुपये है। इसके अतिरिक्त क्या पेमेंट होगा? तो क्रेडिट कार्ड द्वारा अगर आवेदन करते हो तो 1% प्लस सर्विस टैक्स लगेगा। और रुपये डेबिट कार्ड से नील है। भारतीय स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग का यूज़ करते हो तो 5 रुपये के साथ सर्विस टैक्स है। अन्य बैंक की नेट सर्विस से अगर आप भुगतान करते हो तो 10 रुपये प्लस सर्विस टैक्स है। ई चालान द्वारा करते हो तो 40 रुपये पड़ेगा। और अगर आप UPI द्वारा करते हैं तो नील है। तो आप लोग UPI के द्वारा कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई किसी भी तरह का आपको शुल्क नहीं देना होगा। मीन्स सर्विस टैक्स और जो एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं वो नहीं लगेंगे अगर आप UPI के द्वारा पेमेंट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो सारणी 1 और सारणी 2 है और सारणी 3 है, सबसे पहले हम लोग उस पर चलते हैं और पदों का विवरण देख लेते हैं, जो कि काफ़ी आवश्यक है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं इस PDF के पेज नंबर 17 पर। सारणी 1 है जिसमें कि विषय के साथ सह शिक्षा महाविद्यालय में रिक्त पद और महिला महाविद्यालय में रिक्त पद दोनों दिए गए हैं। तो अगर हम उद्यान विज्ञान की बात करें तो 7 और ये पोस्ट है सह शिक्षा महाविद्यालय में रिक्त पद, उर्दू में 8, साथ ही साथ महिला विद्यालय में भी उर्दू के 2 पद हैं। तो ये दोस्तों देखिए पूरी डिटेल पदों की संख्या है। चलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं। कृषि अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन 4+0, SCN कल्चर 0+1, कीट विज्ञान 5+0, कृषि अभियंत्रण 8, कृषि अर्थशास्त्र 7, कृषि प्रसार 11, कृषि रसायन 11, कृषि वनस्पत 7, कृषि सांख्यिकी 6, गृह विज्ञान 1+11, चित्रकला महिला विद्यालय में 4 यानी 0+4। देखिए, मैं 0+ मतलब प्लस करके बोल दूंगा तो जो पहले वाली संख्या होगी वो सह विद्यालय की और बाद वाली महिला विद्यालय की। जैव या जीव रसायन 1+0, दर्शन शास्त्र 5+1, पशुपालन एवं डेयरी 2+0, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान 8+0, पादप रोग विज्ञान 5+0, प्राचीन इतिहास 23+1, प्राणी विज्ञान 83+13 और BEd 87+26, भूगर्भ विज्ञान 4+0, भूगोल 139+3। और इसके अतिरिक्त भूमि संरक्षण 2+0, भौतिक विज्ञान 97+1, मनोविज्ञान 56+10, वनस्पति विज्ञान 76+16, वाणिज्य 78+1, शारीरिक शिक्षा 20+3, शिक्षा शास्त्र 26+14 एंड संगीत गायन 10+2, संस्कृत 56+18, सांख्यिकी 18+0, समाजशास्त्र 82+20, सैन्य विज्ञान 42+0 और हिंदी 125+37, अंग्रेजी 102+31, अर्थशास्त्र 82+18, राजनीति शास्त्र 89+20, इतिहास 34+7, विद 41+0। देखिए, विद में ला में काफ़ी समय बाद पोस्ट हैं और अच्छी संख्या में पोस्ट हैं यहाँ पर। सस्य विज्ञान 13+0,
गणित 95+1, रसायन विज्ञान 151+8, संगीत तबला 1+1, मानव शास्त्र 0+1, संगीत वादन 0+1, संगीत सितार 0+1, महिला अध्ययन 0+1। तो ये 1728+274, तो ये था पूरा विवरण। सारणी दो भी यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए काफ़ी लंबी सारणी है, इसको पेज नंबर 17, 18, 19, 20 में जाके पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा क्या होगा कि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं जो इंटरचेंजेबल सब्जेक्ट हैं, कि किस विषय के अभ्यर्थी कौन से अन्य विषय में आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए चलेंगे हम, देखिए इस पीडीएफ के पेज नंबर 8, 9, 10, ये पेज नंबर आप नोट कर लीजिए। अंतः संबंध विषय की यहाँ पर सारणी दी गई है, जैसा लिखा हुआ है, सहायक आचार्य पद है, सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य है। अधोलिखित अंतः संबंध विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी मुख्य विषय के अंतर्गत माना जाएगा। तो जैसे हिंदी है तो इसमें अंतः संबंध विषय भाषा विज्ञान है, उर्दू में कुछ नहीं दिया है, अंग्रेजी भाषा विज्ञान और अप्लाइड अंग्रेजी। और यहाँ पर इसके अतिरिक्त जो है एशियन कल्चर में, एशियन कल्चर के अंतर्गत जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन एवं आधुनिक, आधुनिक और पाश्चात्य इतिहास एवं पुरातत्व, तो ये विषय हैं अंतः संबंध में। अर्थशास्त्र में व्यवसायिक अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अभ्यर्थी हैं वो राजनीति विज्ञान में अप्लाई करेंगे। और इसके बाद गृह विज्ञान में देख लीजिए, फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लॉथिंग टेक्सटाइल्स और ह्यूमन डेवलपमेंट, ये 3 सब्जेक्ट हैं। बीएड के संबंध की जहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब बीएड है तो बीएड ही वाले उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लॉ में लॉ वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। वाणिज्य में व्यवसायिक प्रबंधन और प्रशासन के भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। वनस्पति विज्ञान में पादप विज्ञान के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। और जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान के अभ्यर्थी जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैव जीव रसायन और बायोकेमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, तो ये सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें एक्सक्लूडेड इन्वायरमेंटल साइंस भी दिया हुआ है। भौतिक विज्ञान में व्यवहारिक भौतिकी और कृषि विज्ञान में एमएससी एजी प्लांट फिजियोलॉजी और पीजी ग्रुप पीजी क्रॉप फिजियोलॉजी। कृषि रसायन में एमएससी एजी सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, पीजी सॉइल साइंस, पीजी सॉइल केमिस्ट्री, फर्टिलिटी फर्टिलाइजर सॉइल माइक्रो। कीट विज्ञान में पीजी प्लांट प्रोटेक्शन और पीजी सेरिकल्चर। इसी तरीके से कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पीजी एग्री इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट और पीजी लाइफ स्टॉक इकोनॉमिक्स। कृषि प्रसार में काफ़ी लंबी लिस्ट है, एमएससी एग्री एक्सटेंशन एजुकेशन, पीजी एक्सटेंशन एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, पीजी एक्सटेंशन एजुकेशन एंड पीएचडी एग्री इकोनॉमिक्स, पीजी वेटनरी एक्सटेंशन एजुकेशन और पीजी एक्सटेंशन कम्युनिकेशन। उद्यानिकी के अंतर्गत एमएससी एग्री हॉर्टिकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन 1 वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर एंड लैंड स्केपिंग, फ्रूट प्रोडक्शन एंड द पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, पोमोलॉजी, फ्रूट साइंस और मेडिकल एरोमेटिक एंड प्लांटेशन एंड स्पाइस। पादप रोग के अंतर्गत एमएससी एग्री प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन। पशुपालन और दुग्ध विज्ञान के अंतर्गत एमएससी एग्री डेयरी टेक्नोलॉजी और डेयरी साइंस, एमएससी डेयरी टेक्नोलॉजी एंड एमटेक डेयरी। और इसके बाद भी ये देखिए लंबी लिस्ट है, इसमें एमएससी एग्री लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड द मैनेजमेंट, एमएससी एग्रीकल्चर एनिमल न्यूट्रिशन, एमएससी एनिमल न्यूट्रिशन, एमएससी एलपीएम, एमएससी एनिमल साइंस, एमएससी जेनेटिक एंड एनिमल ब्रीडिंग, एमएससी एनिमल हस्बेंड्री, एमएससी या एमएससी एग्रीकल्चर पोल्ट्री साइंस, पोल्ट्री हस्बेंड्री। भूमि संरक्षण के अंतर्गत एमएससी एग्रीकल्चर सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, एमटेक सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, पीजी सॉयल कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, पीजी सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग और पीजी लैंड वाटर मैनेजमेंट। इसी तरीके से कृषि अभियांत्रिकी की भी बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। और कृषि सस्य विज्ञान के अंतर्गत भी यहाँ पर 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं, आप देख लें। कृषि अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन के अंतर्गत जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक एग्रीकल्चर बॉटनिंग। तो ये थे आपके सहसंबंध विषय।
चलिए कुछ और महत्वपूर्ण बातों की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर मैं आप लोगों का ध्यान देना दिलाना चाहूँगा। देख लेते हैं एलिजिबिलिटी के अंतर्गत, तो यहाँ पर अब मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स आर इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेदर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड इन अ कंसर्न रिलेवेंट अलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। यहाँ तक सही है, 55% होना चाहिए। देखिए अभी तक हम लोग जो बात करते थे PhD होल्डर अभ्यर्थियों के लिए, तो ऐसा होता था कि जिन अभ्यर्थियों की PhD 2009 रेगुलेशन या उससे पहले की थी उनको नेट से एग्जाम किया जाता था, नेट से उन्हें छूट दी जाती थी। लेकिन इस बार 2009 के साथ 2016 के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों की PhD है रेगुलेशन के अंतर्गत उनको भी छूट दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर 2016 के रेगुलेशन के अंतर्गत जिन लोगों की PhD हुई होगी, स्वाभाविक है कि अभी हाल ही में उन लोगों की PhD पूरी हुई होगी। और इस कंडीशन में अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि जो PhD होल्डर अभ्यर्थी हैं उनके लिए ऐसा लग रहा है कि नेट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। देखिए ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, शायद मैं जितना समझ पा रहा हूँ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। बिसाइड फुलफिलिंग द एबो क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट्स मस्ट हैव द क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाई द UGC और द CSIR और अ सिमिलर टेस्ट एक्रेडिटेड बाई द UGC एट द नेशनल लेवल और सिलेक्ट सेट ऑफ ओनली द स्टेट ऑफ UP आर हु आर और हैव बीन अवार्डेड अ PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ MPhil PhD डिग्री रेगुलेशन 2009 आर 2016 एंड देयर अमेंडमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एज द केस मे बी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट स्लेट सेट। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन लोगों ने 2009 के बाद PhD की थी और किसी कारणवश अगर वो नेट नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं तब भी ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो अब कुल मिला के अगर आपके पास PhD डिग्री है तो एक बार आप इसको क्लियर ज़रूर कर लें, नेट ना होते हुए भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं मुझे ऐसा लग रहा है, फिर भी आप इसको सही से एक बार ज़रूर चेक कर लें। अब जो नेट का सर्टिफिकेट लगता है वो सॉरी PhD का जो सर्टिफिकेट लगता है, जो PhD की आपकी डिग्री अवार्ड है उसकी क्या पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हम बात कर लेते हैं। प्रोवाइडेड द कैंडिडेट रजिस्टर्ड फ्रॉम द PhD प्रोग्राम प्रीयर टू July 11, 2009 शैल बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द देन एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस बाय लॉ रेगुलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन अवार्डिंग द डिग्री एंड सच PhD कैंडिडेट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ नेट स्लेट सेट सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फर्दर स्लेट सेट कंडक्टेड बाई द स्टेट ऑफ UP ओनली शैल बी वैलिड इन स्टेट ऑफ UP। यहाँ तो दिया हुआ, तो द PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवार्डेड इन द रेगुलर मोड, आपकी PhD डिग्री रेगुलर मोड में होनी चाहिए। द PhD थीसिस हैज़ बीन एवेलुएटेड बाई द लीस्ट टू एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, यानी आपकी जो थीसिस है PhD उसका उसे एवेल्यूएट किया गया, उसका मूल्यांकन किया गया हो दो जो बाहर के एग्जामिनर्स होते हैं उनके द्वारा। एंड ओपन PhD वाइस ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन कंडक्टेड, द कैंडिडेट हैज़ पब्लिश टू रिसर्च पेपर फ्रॉम हिज हर PhD वर्क आउट ऑफ विच एट लीस्ट वन इज इन अ प्रिपेयर्ड जर्नल, द कैंडिडेट हैज़ प्रेजेंटेड एट लीस्ट टू पेपर बेस्ड ऑन हिज हर PhD वर्क इन कॉन्फ्रेंस सेमिनार स्पॉन्सर्ड फंडेड सपोर्टेड बाई द UGC ICSSR CSIR और एनी सिमिलर एजेंसी। और इन कंडीशन को फुलफिल होने के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए वो कहाँ किससे होना चाहिए, आपके रजिस्ट्रार से या जो डीन है। द फुलफिलमेंट ऑफ दिस कंडीशन इज टू बी सर्टिफाइड बाई द रजिस्ट्रार और द डीन एकेडमिक अफेयर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न, जिस यूनिवर्सिटी से आपने PhD की वहीं से जो रजिस्ट्रार के द्वारा या डीन के द्वारा सर्टिफाइड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपकी PhD जो यहाँ ऊपर पॉइंट दिए गए हैं 5 उनके अंतर्गत अवार्डेड है। तो ये इसमें से था, और चलिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। देखिए चयन का आधार देख लेते हैं इसको।
चयन का आधार लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र, सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय होगा। लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित अंक 200, जिसमें सामान्य ज्ञान के 60 और वैकल्पिक के 140। यानी देखिए, एक प्रश्न दो अंक का होता है, तो 30 प्रश्न आपके जीके से होंगे और 70 प्रश्न जो है आपके सब्जेक्ट से होंगे, प्लस इंटरव्यू आपके 30 मार्क को होगा। सभी विषयों में सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न और वैकल्पिक विषय के 70 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न दो अंक का होगा और दोनों में, यानी आपका जो रिटेन है और जो इंटरव्यू, मिला के 230 अंकों पर पूरी लिस्ट बनेगी। प्रश्न पत्र में कोई भी ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगी। आपका पेपर जो है लिखित परीक्षा का आयोजन प्रयागराज में किया जाएगा। दोस्तों, आपको एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहूँगा कि इस पीडीएफ को आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। रीज़न है कि जब आपका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा तो उससे पहले आप लोग कॉलेज लिस्ट मांगते हैं। पिछली बार भी मैंने जब आप लोग कॉपी डिमांड कर रहे थे, मैंने दोबारा वीडियो बनाया था, तो लोगों को कमेंट आने लगे थे कि सर आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो पुराना एडवर्टीजमेंट है। तो इसलिए इस पीडीएफ को आप सुरक्षित रख लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे पेज नंबर 23 से स्टार्ट है यहाँ पे, या उससे पहले से भी स्टार्ट होगा, देख लेते हैं। हाँ, उससे पहले से स्टार्ट है। तो ये पूरी कॉलेज लिस्ट है। इस कॉलेज लिस्ट में विषय के साथ ही साथ जनरल में, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में कितनी सीट है, इसका विवरण दिया गया। और इसकी आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप क्वालिफाई करते हैं इंटरव्यू के लिए। तो इस लिस्ट को आप सुरक्षित रख लीजिए, मतलब इस पूरी पीडीएफ को ही आप अपने पास ड्राइव में कहीं सेव कर दीजिएगा, क्योंकि ये आगे आपके काम आने वाली है। तो ये पूरा दिया हुआ है दोस्तों। तो अब जो मुख्य तथ्य इस पीडीएफ के, वो हमने आपसे अवगत कराए। शेष जो पेज है, जैसे 110 पेज की पीडीएफ है, तो शेष जितने भी पेज हैं उसमें आपकी कॉलेज लिस्ट दी हुई है, कॉलेज वाइज जो पदों का विवरण है उसको दिया गया है। तो आई होप दोस्तों, जो भी जानकारी मेन पॉइंट थे वो हमने आपसे साझा किए। डे फर्स्ट से कम अब आप जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, और कर ही नहीं सकते, आपको अब तो स्टार्ट कर ही देना चाहिए। देखिए, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। आप जितनी जल्दी से अपनी स्टार्टिंग कर देंगे उतना ही अधिक आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि एक विज्ञापन में सिलेक्शन ना ले पाना सीधे सीधे आपके 4 साल बर्बाद कर जाता है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका 1 साल तो दूर, 1 दिन भी बर्बाद हो। आप सभी लोग सफल हो इस परीक्षा में और आने वाले अपने स्वर्णिम भविष्य को एंजॉय करें। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को विराम देना चाहूँगा। लेकिन अंत में, अगर आप जीके पार्ट की तैयारी सार्थक क्लासेस के माध्यम से करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ, अगर आप ऐप के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर स्टोर में भी मैं आप लोगों के लिए पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाला हूँ। तो आप चाहें तो सार्थक क्लासेस का ऐप आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर में, सार्थक क्लासेस का, उस पर लोगो लगा हुआ का, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। जीके प्लेटफॉर्म के लिए टोटली हायर एजुकेशन में डेडिकेटेड ऐप है अपना, और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आपकी इस परीक्षा में मील का पत्थर साबित हो सकता है सार्थक क्लासेस का ऐप। नमस्कार दोस्तों।